ये मंदिर और ये पास में कब्रिस्तान और एक इधर को पीर की दरबार भी बन गई है यहाँ पर। ये देखें, दिखाता हूँ, ये मंदिर है, शिव मंदिर है जी। तो शिव मंदिर का जो है ऊपर से भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, जो मैं बात कर रहा था शिवलिंग की, तो वो जो शिवलिंग के पत्थर हैं ये पड़े हुए हैं। ये देखें, ये कब बना है कब्रिस्तान, 94 से पहले जब हिंदू चले गए मतलब पार्टीशन से, वहाँ पे कब्रिस्तान था। अच्छा, इधर दफना वक्ती तौर पे क्या परमानेंटली दफनाया होगा ना। तो ये शिव मंदिर है और ये देखें, जैसा कि शिव भोलेनाथ के नाम पे वो पाकिस्तानियों ने शिव मंदिर के बगल में शमशान घाट बना दिया है। भाई ये वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में मंदिरों की जो हालत है वहां पे देख के चौंक जाएंगे, और वहां पे हिंदू की जो हालत है वो भी आपको देख के चौंक जाएंगे। भाई पाकिस्तान में शिव मंदिर के बगल में शमशान घाट, भाई देख सोचने वाली बात है। लेकिन उससे पहले दुबई शेख का बयान है, दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं पाकिस्तान और वहां पर दिखाते हैं कि शिव मंदिर के बगल में शमशान घाट कैसा है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। ये सामने है टेंपल, मैं पहुंच तो चुका हूं फाइनली। ये है मंदिर और ये पास में कब्रिस्तान और एक इधर को पीर की दरबार भी बन गई है यहाँ पर। ये देखें, ये सारे के सारे जो पुराने घर खड़े हैं ये उसी वक्त के हैं जब हिंदू रहा करते थे। और ये सामने टेंपल रहा, और अभी फ़िलहाल इस टेंपल की जो जगह थी तमाम, ये देखें कब्रिस्तान बन गए हैं। और एक इस तरफ जो है पीर भी है, पीर की दरबार भी है। तो फिलहाल अभी आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ। ये मंदिर है, शिव मंदिर है जी। तो शिव मंदिर का जो है ऊपर से भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, और ये इस तरफ, और ये देखें यहाँ पर कुछ मूर्त जो होती हैं, प्रतिमाएं वगैरह यहाँ छोटी छोटी बनी हुई थी साइड में। अभी मूर्त बनी हुई है कोई? तो ये मूर्त भी, ये देखें, ये जो है शिव भगवान है, और हाथ में त्रिशूल भी है आई थिंक। और जो ऊपर से हैं ये देखें, ये देखें, और ताया जी कहाँ पे हैं? और ये जो भोलेनाथ की अगर ओरिजिनल मूर्त देखनी है, ये शिव भगवान की ये मूर्त है, खुद विराजमान है यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कहाँ पे है? उधर से आना है। हाँ, ये भोलेनाथ की, ये भी भोलेनाथ की तस्वीर है एक, ये देखें। और भी है? अच्छा, यहाँ पे वो शिवलिंग लगा हुआ था, वो लगी हुई है, लेकिन वो बड़ी सी लगी हुई थी, वो नहीं है अब। ये देखें दोस्तों, ये ऊपर से इस तरह का है, अंदर इसके सामान वगैरह पड़ा हुआ है अभी तो। वो चाबी छोटे से चला गया, सुबह चला गया। चाबी किसी के पास और के पास है? नहीं, अपने बच्चे के पास। हाँ दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था शिवलिंग की, तो वो जो शिवलिंग के पत्थर हैं ये पड़े हुए हैं। ये देखें, ये पड़े हुए हैं, अचानकली मुझे नज़र पड़ी है उस पर, तो ये पड़े हुए हैं शिव। चाचू यही शिवलिंग लगे हुए थे ना, ये पत्थर जो बाहर लगे हुए थे, ये वाले। दोस्तों ये संगमरमर के बोल रहा है कि ये जो इसको क्या बोलते थे। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये जो शिवलिंग के जो पत्थर हैं, जो हमारे शिवलिंग है, ये यहाँ पे लगे हुए थे ना, मैंने एक दो वीडियो में देखा था, यहाँ पे लगे हुए थे, यहाँ पर। ये यहाँ से वो जो शिवलिंग यहाँ से उठा के, क्योंकि बेहुरमती करते थे लोग, कोई किस तरह का कोई तरीका था, यहाँ से उठा के जो है फिर पीछे रखे गए। अच्छा, जो बैठ के इधर पूजा करते थलियां हैं, ये जो चौकी बनी हुई है। अच्छा अच्छा, ये कब बना है कब्रिस्तान? ये बस जब 92-94 से पहले की बात है। अच्छा, 92-94 से पहले जब हिंदू चले गए मतलब पार्टीशन से। नहीं, ये बारिशें नहीं होती थी, सैलाब आते थे। हाँ, फिर कब्रिस्तानों में इधर पानी खड़ा हो जाता था। कब्रिस्तान कौन सा है? ये सामने वो नीचे गड्ढे जहाँ पे है। अच्छा, वो जहाँ पे नजर आ रही है पानी में। हाँ हाँ, जहाँ पे गड़े हैं वहाँ पे कब्रिस्तान था।
अच्छा इधर दफना देते थे वक्ती तौर पे, क्या परमानेंटली दफनाया होगा ना के मजबूरी में इधर। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों ये शिव मंदिर है और ये देखें जैसा कि शिव भोलेनाथ के नाम पे वो एक ये धतूरा जो होता है, ये धतूरे भी होते हैं, ये देखें शिव मंदिर के पास ही धतूरे निकले हुए हैं। ऊपर से अगर मंदिर देखना है इस तरह का है, और अगर आपने सॉरी मेरी उर्दू लैंग्वेज है तो इसके लिए मैं मादरत, ये देखें ये हैं जी शिव पार्टीशन से पहले के यहाँ पे। ओम नमः शिवा शिव शिव भोले मदना, ये पड़े हुए हैं जी रखे हुए हैं। और कुछ ये भी हैं, ये आई थिंक समाधियाँ होंगी, जैसे समाधियाँ होती हैं ना, तो ये समाधियाँ होंगी इसके इर्द गिर्द की, वो भी समाधियाँ होंगी। अगर पीछे का देखना है मंदिर का तो इस तरह का है, इस तरफ बकरियाँ वगैरह भी कुछ खड़ी हुई हैं। और कुछ ये पुराना कमरा है पुराने दौर का, ये देखें। और इस तरफ यूँ और ये चाचू वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। और ये ऊपर मंदिर रहा, कितने आप रह रहे हैं, कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ से? बहुत बड़े भी रह रहे हैं, बहुत अरसे। आप रह रहे हो, अच्छा कहाँ से आए थे आप? इंडिया से ही आए हुए थे। आप इंडिया से आए हैं? नहीं, हमारी तो बड़े रहे। किस जगह से आए थे? वो तो कब्रें भी बन गई, उनकी कब्रें बन गई, बताया नहीं था कहाँ से आए थे बस उस टाइम। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो है। कुछ हिंदी वगैरह कुछ ऐसा लिखा हो यहाँ पर? नहीं, वो तो हमने देखा नहीं। अब तो ये बहुत छोटे पुराने हो गया, नहीं तो हाँ। ये जो थे ना ये। तो दोस्तों ये जो है लाख लगा हुआ है, मजीद यहाँ से अंदर आप देखें तो लाइट नहीं चल रही, मेरे मोबाइल की आई थिंक खराब हो गई है। तो ये देखें कुछ इस टाइप का है, अंदर कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये देखें अंदर ऐसा रहा, ये इस तरह अंदर ठंड होती है। अच्छा ये सामान किसका रखा हुआ है अंदर? अपने पे आना, ये सारे आपका आपके पास होता है? ये हमारे पास। अच्छा हुकूमत ने दिया हुआ आपको? अच्छा दोस्तों ये लाख। सलाम अलैकुम बेटा, क्या नाम है? नाम बताओ बेटा, नाम क्या है? ये देखें दोस्तों ये जी क्यूट सी बच्ची है, बच्ची का नाम पूछते हैं, क्या नाम है बेटा जी? मारूस। मारूस बच्ची का नाम है, बहुत क्यूट है। पहली दफा मैं पिछली बार आई थी तो रोने लग गई थी, अब चुप है ये। क्या दोबारा नाम बताइएगा? मारूस फातिमा, बहुत क्यूट है अभी। चलो ठीक हो गया सर। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर में शिव मंदिर के बगल में ही शमशान घाट खोल दिया गया है, वो भी पाकिस्तानी खोल दिए हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से कहीं भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। अभी हमको न्यूज आया, वो भी पक्का न्यूज, मुसाफिर लोग प्लेन के अंदर भीख मांग रहा है, प्लेन के अंदर। ये किधर तक पहुंच रहा है लोग, शायद एक दिन इन लोग आसमान तक भी जाएगा, नहीं मालूम किधर जाएगा, उधर भी भीख मांगेगा। ये क्या हो रहा है मेरे भाई लोग, क्या हो रहा है? यानी आप लोग मुख इतना भी नहीं, अकल से तोड़ा भी नहीं। प्लेन का टिकट खरीद कर सकता है, सब जगह जा सकते हैं, प्लेन के अंदर भीख मांगता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कितना तुम लोग और कितना ऊपर जाते हम नहीं जानते, क्या बोलो। अल्लाह आप लोग को माफ़ करे, हसबी अल्लाह व नअम अल वकील, जो आप लोग का साथ ये लोग चोर लोग ऐसा कर रहा है। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।